everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I will share my understanding about the rubric Talking Business Off and Delirium Business Talks Off. This is repertory. Talking Business Off has 13 medicine under it. Business in Hindi is Vyavasaya or Vyapar, Nafa, Nuksan. But in homeopathy, we have many rubrics related to the business and they all are very useful in our daily practice. So in the coming series, we will try to understand all these rubrics. ये रूब्रिक हमें कंसिडर कहाँ पर करना है, जहाँ पर पेशेंट हमारे बिना पूछे अपनी बिजनेस की, अपने व्यवसाय की बात करने लगे. हर पेशेंट के लिए बिजनेस अलग है. ये आपने आपको पहले भी पता होगा कि एक गृहिणी के लिए उसके घर का काम उसका बिजनेस है, एक दुकानदार के लिए उसका ग्राहक से लेन देन उसका व्यापार है, बिजनेस है, और एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई, उसका स्कूल जाना एक बिजनेस है. जहाँ पर पेशेंट नफा नुकसान, फायदे नुकसान की बात करे, वहाँ पर भी हमें ये रूब्रिक को कंसिडर करना है. अब हम इस रूब्रिक के अंडर डिफरेंट डिफरेंट वर्शंस की बात करेंगे ताजो ये रूब्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और हमें कभी भी ये प्रैक्टिस में अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, मुझे सुबह से ही फीवर था, गला खराब कल से चल रहा है, क्रोसिन लेकर मैं ऑफिस गया, वहाँ एक कंपनी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन थी, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था, मिस नहीं कर सकता. यहाँ पर पेशेंट हमारे साथ अपने बिजनेस की बात कर रहा है कि वो उसे उस कंपनी के लिए एक प्रेजेंटेशन देना था, मतलब उनका ऑर्डर उसके थ्रू उसे आना था. यहाँ पर पेशेंट हमें बिना पूछे अपने बिजनेस की बात बता रहा है और वो फीवर में भी, अपनी प्रॉब्लम में भी क्रोसिन लेकर अपने ऑफिस गया. सेकंड वर्जन, जो बहुत कॉमन वर्जन्स है जो हमें डेली मिलती हैं, आज मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. डॉक्टर, 1.5 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ, एक पैसा भी फर्क नहीं है. यहाँ पर भी हम टॉकिंग बिजनेस ऑफ कंसिडर करेंगे. यहाँ पर पेशेंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो हर हफ्ते पैसे देकर मेडिसिन लेके जा रहा है, लेकिन उसे कुछ भी हमारी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ पर भी हम टॉकिंग बिजनेस ऑफ रूब्रिक कंसिडर करेंगे. स्टूडेंट सेज, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी मेडिसिन दे दीजिए कि मेरी कंसंट्रेशन बनी रहे और मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है. ऐसी मेडिसिन दीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं. यहाँ पर भी हम टॉकिंग बिजनेस ऑफ रूब्रिक कंसिडर करेंगे. जब पेशेंट हमारे सामने बैठकर कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस है, टोटल खर्चा कितना आएगा, ऐसे वर्ड्स यूज करता है, वहाँ भी हम रूब्रिक टॉकिंग बिजनेस ऑफ कंसिडर करते हैं. पेशेंट विल टॉक स्ट्रेट फॉर वर्क. What he wants from you also will speak in terms of profit and loss. यहाँ सारी versions पे हम rubric talking business of लेंगे और ये इतना important rubric है कि daily हमारे patients में ये use होता है. Now we will consider the second rubric delirium business talks of. इसमें 15 medicines हैं, 13 medicines दोनों में common है. As you all know, delirium is a derailed state of the patient. बात business की ही कर रहा है, but tone में फर्क होगा, ढंग अलग होगा. You will say, अरे ये क्या तरीका है बात करने का. यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी क्लिनिक की एग्जाम्पल देती हूँ. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, I don't know आपने उसे कंसिडर किया या नहीं किया. As the common people will come and say, 15 दिन हो गए डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, आप मेडिसिन चेंज करके देख लीजिए. यहाँ पर हम लेंगे बिजनेस टॉक्स ऑफ, लेकिन डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ में कैसे बोलेगा, डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए आपसे मेडिसिन चल रही है,
एक पैसे का भी फर्क नहीं हुआ, अब क्या मैं और डॉक्टर के पास जाऊं? ये हुई पेशेंट की डीरेल्ड स्टेट। यहाँ पर हम लेंगे डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ। एक पेशेंट मेरे पास आए, उन्होंने जो मेडिसिन का पैकेट था अभी उसमें दो दिन की मेडिसिन बची हुई थी, उनको मेडिसिन लेते 15-20 दिन हो गए थे, उन्होंने पटक के मेडिसिन मतलब टेबल पे रखी और खड़े खड़े ही मुझसे बात की। दिस इज डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ। यहाँ पर हमें भी बुरा महसूस होगा कि ये कोई ढंग है बात करने का। आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर वेयर टू टेक द बिजनेस टॉक्स ऑफ एंड वेयर टू टेक डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ। थैंक यू एवरीवन।